हे नंदा जाही करे नंदा जाही करे नंदा जाही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छो। आप जिन जनाब का इस्तकबाल होते देख रहे हैं ये मल्टी टैलेंटेड फिल्मी डायरेक्टर मनोज वर्मा जी हैं। इन्होंने पूरे देश विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के साथ ही फतेह का परचम लहराया है। पिछले दिनों राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में पत्रकारिता विभाग द्वारा आयोजित वैल्यू एडेड कोर्स के तहत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रशिक्षण के अंतर्गत गेस्ट लेक्चर पर एक दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता निर्देशक भुलंद मेज फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मनोज वर्मा ने शिरकत की थी। शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के एल टांडेकर जी के मार्गदर्शन एवं पत्रकारिता विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बी एन जागृत जी के नेतृत्व में पत्रकारिता विभाग स्ववित्तीय व्याख्याता अमितेश सोनकर जी, रेशमी साहू जी, राजीव यादव जी सहित पत्रकारिता विभाग में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने वैल्यू एडेड कोर्स के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रशिक्षण के अंतर्गत गेस्ट लेक्चर प्रोग्राम में फिल्म निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा जी की स्पीच बहुत ही मोटिवेशनल और इंटरटेनिंग रही। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सभी छात्र छात्राओं के साथ यह स्पीच मील का पत्थर साबित होगी। छत्तीसगढ़ के मल्टी टैलेंट सीने निर्देशक मनोज वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा में भुलंद मेज नामक फिल्म बनाई, जो अपने विषय के साथ ही निर्देशन संगीत लोक जीवन की दमदार प्रस्तुति के साथ न केवल सीने दर्शकों को बल्कि समूचे फिल्म इंडस्ट्री को एक नया अनुभव से रूबरू करवा चुकी है। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली यह पहली क्षेत्रीय फिल्म है। राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश में लोग बचपन से सुनते आ रहे कि यह दिग्विजय कॉलेज है, कभी वो राजाओं का महल हुआ करता था। इसी महल के एक हिस्सा भुलनबाग के नाम से चर्चित रहा है। आमतौर पर बताया जाता है कि जंगल में कंदमूल का एक पौधा होता है, जब कोई राहगीर उस पौधे को टच कर जाता है या भुलन कांदा, जिस पर यदि किसी का पाँव पड़ जाए तो वह अपना रास्ता भटक जाता है। ऐसी मान्यता रही है कि उस भूलन से उभरने के लिए उस इंसान को जब कोई दूसरा इंसान छूकर उसे याद दिलाता है कि आप खुद में गुम हो चुके हो, तब कहीं जाकर उस इंसान की याददाश्त फिर से लौट आती है। ऐसे फैंटास्टिक और बेहतरीन आइडिया को लेकर इस लोक अनुभव को आधार बनाकर प्रसिद्ध साहित्यकार संजीव बख्शी ने एक दशक पहले एक उपन्यास लिखा था, भुलंद कांदा। इसी उपन्यास पर आधारित फिल्म थी भुलंद मेज। छत्तीसगढ़ भाषा में बनी फिल्म भुलंद मेज को ओरिजिनल फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। फिल्मकार मनोज वर्मा ने इस फिल्म को बनाई है। इस फिल्म की शूटिंग गांव और जंगलों में हुई है, जहां कई तरह के खतरों के साथ दिक्कतों के बाद यह फिल्म बन पाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजी गई भुलंद मेज का दबदबा देश भर में देखने को मिला। जम्मू से लेकर देश भर के 100 पर्दों में छत्तीसगढ़ी फिल्म भुलंद मेज एक साथ देखी गई। फिल्म का टाइटल अंग्रेजी में है। यह पहला मौका है जब कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म देश भर में देखी गई। छत्तीसगढ़ की पहचान यहाँ के धान, किसान, लोक कला, संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की बोली भाषा से है। अब भुलंद मेज फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जाने के बाद फिल्म जगत में मनोज वर्मा और छत्तीसगढ़ की नई पहचान के तौर पर तेजी से उभर रहा है। हमसे चर्चा करते हुए फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा ने बताया कि फिल्म की कहानी देश में फैली न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाती है। उन्होंने कहा कि भुलंद मेज फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई है और इस फिल्म ने इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो आप दर्शकों के बदौलत है। गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स आपने लिए हुए हैं, कैसे आप करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं उसमें आप कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का कर रहे हैं, किस तरीके की फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको सेल आउट करेंगे। तो आजकल ऑनलाइन बिक जाती है आपकी फिल्म पिक्चर्स जो हैं, तो जो छोड़ दिए उसकी चिंता मत करो, आगे निकलो और संघर्ष ही करते रहोगे ना पूरे समय, तो आप आगे ही बढ़ते जाओगे, हर बार एक सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे संघर्ष करके। तो वही बोल रहा हूँ, संघर्ष ही जीवन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जिस दिन मजे में आ गए उस दिन खत्म हो गया खेल। जिस दिन आपको लगा कि अब सब कुछ मिल गया है, सब कुछ सीख चुका हूँ मैं आज भी सीखता हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ। आप इतना वास्ट है भाई, इतना वास्ट है कि इसमें कहीं कोई और छोर नहीं है।
अब इसका अर्थ समझेंगे। आपके जीवन में एक शेर जरूरी है जो आपको जिंदा रखे, तो आपके जीवन में एक समस्या इतनी बड़ी पाल के रखो जो आपको जिंदा रखे। जदी विलेज कॉलेज में पत्रकारिता विभाग द्वारा वैल्यू एडिट कोर्स के लिए आज व्याख्यान के लिए जिनको बुलाया गया था, जिन्होंने आज शिरकत की थी, वो आज छत्तीसगढ़ को उस पटल पर लेके चले गए जहाँ पे कभी सोचा नहीं था। निश्चित तौर पे मैं जब ये तीसरी मुलाकात है वर्मा जी से, तो बड़ी अजीब गजब की बात करें, पंच लाइन लगी। मैं कभी किसी खबर में लिखूंगा कि अगर लाइफ में वो कौन आ जाए, दिक्कतें संघर्ष ना आ जाए, जब बताया एक मूवी के बारे में, तो संघर्ष अपने अंदर शेर जमा के रखो, शेर के बदौलत एक शेर बंदा निकल गया, वो क्या था, समझ में आना चाहिए लोगों को। आप नहीं देखिये, आप जब तक डरते रहेंगे, डरना मतलब अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो एक डर रहता है, आप जब भी एग्जाम देते हैं, आप तैयारी करते हैं, तो आपको इस बात का डर रहता है कि मेरा आज पेपर कैसा जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन अंदर में एक जो डर रहता है ना, वही वो शेर है वो। और इसके अलावा भी लाइफ में जब आप आगे बढ़ रहे हैं कहीं पे भी, तो बहुत स्मूथ अगर आप चल रहे हैं तो आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब तक के ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं और आप उसको ओवरकम नहीं करते हैं, तब तक आप चार्ज नहीं होते। जब ये इस फिल्म से आप, मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे इस फिल्म को, तो बड़ा आसान लगता है कि भाई नेशनल अवार्ड मिल गया, ये हो गया। लेकिन जो उसके पीछे की मेहनत है, 10 साल, 2012 में लिखना शुरू किया था, 2022 में फिल्म रिलीज हुई है, आप सोचिए कितने ऑब्स्टेकल, कितने अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। लोग बोलते थे यार तुम आदमियों के तमाशा उछाले हंसते रहते, इसके बाद भी मैं बोला अभी रोके भी होगा क्या, होना वही है जो होना है, तो इससे अच्छा हंसते रहो। तो ये आप, मतलब कहने का कि आप अगर चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करेंगे, एक चैलेंज हमेशा होना चाहिए, एक खत्म हुआ दूसरा बनाओ आप, चैलेंज आपको बनाना पड़ेगा, कोई चैलेंज देने वाला नहीं है आपको। गोवा के फिल्म फेस्टिवल में आपने, हाँ वो एक चैलेंज दिया ना, माया नगरी में अपनी दखल देना और उस पटल माटी से निकल के आया, और उस पटल आने वाला क्या अचीवमेंट, मतलब क्या मतलब टास्क आपके लिए क्या रखोगे आप? मेरी फिल्म थोड़ी सी अलग रहती है वैसे, आप चाहे मतलब नाम पे अगर आप ना जाएं, अगर आप दूल्हा फाड़ू देखें, तो दूल्हा फाड़ू जो है वो फिल्म एक फ्रेंच नाटक था जिसका हिंदी में अनुवाद किया था रंजीत कपूर ने, उस पर बेस्ड थी वो फिल्म। उस मतलब कहीं देखा था किसी ने, उसने आके बताया मुझे ऐसा 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 है, तो रंजीत कपूर जी से उसका हमने राइट लेकर के उस पर बनाया फिल्म। तो हर बार कुछ एक अलग सब्जेक्ट पकड़ते, टेटकू राम हमने पकड़ा था, वो एक चौल की कहानी थी, एक चौल के अंदर में कैसे लोग रह रहे हैं। तो आप हर बार कुछ डिफरेंट करो, थोड़ा कमर्शियलिज्म जरूरी है इसलिए क्योंकि देखते वही लोग हैं जो कमर्शियल देखना पसंद करते हैं। सर, आने वाले बच्चों को भविष्य में क्या सीख देना चाहेंगे इस मूवी से? किस मूवी से? भूलन से। भूलन से देखो, भूलन कहानी से तो मैं क्या बच्चे उसमें सीखेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहानी कहने का तरीका आप सीख सकते हैं अगर आप फिल्म लाइन से हैं, तो किस तरीके से कहानी कही जानी चाहिए, किस तरीके से एक सामान्य सी चीज को बड़े ही, मतलब कहना चाहिए सरल तरीके से रखना बहुत कठिन चीज को, ये उस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी समस्या को बहुत सरल रूप से रखा गया है। तो वो अगर आप फिल्में देखना पसंद करते हैं और उस पर मनन करना पसंद करते हैं, तो उस फिल्म को जरूर देखिए और उसमें देखिए कि क्या क्या चीजें उसमें मिल सकती हैं आपको। आप जितने बार देखेंगे एक नई चीज मिलेगी आपको। तो जो अभी बच्चे हैं जो सिनेमा की पढ़ाई कर रहे हैं या जो सिनेमा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये फिल्म एक कहना चाहिए एक आर्काइवल वैल्यू रखती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके फैमिली में पूरे डॉक्टर हैं, फिर भी आपने एक अलग फील्ड चुना अपने लिए, तो आज भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी मेंटलिटी ये होती है कि वो डॉक्टर है तो उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, वो इंजीनियर है तो उनके बच्चे भी इंजीनियर बने, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बचपन से एक नींव बन जाती है, अगर डॉक्टर्स फैमिली से हैं आप, तो आपके बचपन से वो संस्कार आपको मिलने लगते हैं कि आप उस फील्ड की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। और फिर जब माँ बाप बोलते हैं कि बेटा मैंने नींव बना दी है, बिल्डिंग तेरे को खड़ा करना है, अभी वापस से नींव बनाने की जरूरत नहीं, मैंने जो नींव बनाई है उस पर मेरे बच्चे चलेंगे कि नहीं चलेंगे मुझे नहीं मालूम है, न मैं बोलता कि तेरे को चलना है, अगर तेरा इंटरेस्ट है फिल्म बनाने में तो तू आ, नहीं है इंटरेस्ट मत आ, लेकिन वो दिखने लगता है कि मेरे पापा ऐसा कर रहे हैं मैं भी ऐसा करूंगी, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आती हैं और उसमें सिर्फ माँ बाप का
वो नहीं रहता, बोलना चाहिए प्रेशर नहीं होता है कि तुमको डॉक्टर बनना है। वो देखते हैं अपने माँ बाप को कि कहाँ तक कहाँ पहुँच गए हैं, एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट है इनका, किस वजह से है। तो वो एक चिकित्सक हैं, बच्चों को ठीक किया उन्होंने, बड़ों को ठीक किया, सर्जरी की, ये किया, तो मैं भी ऐसा करूँगा, वो अंदर में ऑटोमेटिकली आता है। मेरा ये था कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद क्रिएशन तरफ जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा काम करूँगा। सोशल लाइफ नहीं है डॉक्टर्स की, हम बचपन से देख रहे हैं, पिताजी को देखा हमने, भाई को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, इनकी सोशल लाइफ नहीं है। 9 बजे कहीं जाना है पार्टी में तो वो 11 बजे पहुँचते हैं, पेशेंट आ गया, कहीं कुछ हो गया तो आप जा ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगा कि ये काम जो है, अच्छा दूसरा क्या है, आपके हॉबी आपका प्रोफेशन हो जाए। मेरी हॉबी है फिल्म बनाना, मुझे अच्छा लगता है फिल्म, फोटोग्राफी अच्छी लग रही है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी लग रही है, तो मैं उस फील्ड में बढ़ रहा, कहानी कहना अच्छा लग रहा है, उसमें मुझे कितना समय इन्वेस्ट हो रहा है ये पता नहीं चलेगा आपको। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मज़ा भी आ रहा है और उसके पैसे भी मिल रहे हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है। कि फुलंदा मैच के लिए आपने गरियाबंद जिला का ही चुनाव क्यों किया, जबकि हमारे पास में ट्राइबल इलाके में सुकमा, बस्तर और अन्य क्षेत्र हैं। देखिए, जो चीज को मैंने देखा था वो मुझे जिस समय बताया, मैं कहानी पढ़ रहा था उस समय मेरे विजुलाइज हो गया था कि यहाँ ये गांव मुझे वैसा दिख रहा है जैसा उस कहानी में। तो जब घूमा बहुत जगह, कांकेर भी गया मैं, कांकेर में भी काफी ढूंढा, गरियाबंद के एरिया में बहुत ज़्यादा उधर भी ढूंढा हमने, बालोद तरफ ढूंढा, लेकिन वो गांव जो था, वो जिस समय आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना तो एक फिल्म आपके दिमाग में चल रही होती है, उसमें ही हीरो हीरोइन भी आपको दिखते हैं, भकला बोले तो वो ओंकार दास मानिकपुरी ही दिखता था। तो वैसे ही हमको लोकेशंस भी दिखती हैं कि ये लोकेशन हाँ ये परफेक्ट है। तो वैसे ही उस गाँव का चुनाव हुआ कि जब हम वापस से रिकॉल किए कि 10 साल पहले इस जगह पे गया था, मैं जाकर के देखता हूँ, वहाँ गया तो मुझे लगा कि यही लोग हैं और यही जगह है जहाँ पे ये फिल्म बनेगी। तो आप जिनको देख रहे थे, हम जिनसे रूबरू हो रहे थे, मनोज वर्मा जी, ये थॉट्स को लेके उन जो जमीनी हकीकत का है या उन लोगों के बीच में जाके वो चीज निकाल के लाते हैं जो इस दुनिया को देखना या दिखाना पसंद, तब वो डायरेक्टर करता है जब उसके अंदर के वो चीज जागता है। निश्चित है बहुत चीज है पता है, लाइक आप बुलंद देखिए, देख चुके होंगे, निश्चित तौर पे हमें गर्व होता है। और ये जो कहानी है और कितनी कहानियां मनोज जी निकाल के आएंगे या समय बताएगा आज कार्यक्रम, तो कॉलेज में, इस पूरे कॉलेज में आज हमारा साथ है दीप राम टेके, चांदनी यादव, कविता शाहू, रेणुका शाहू, इलाशित दकी और मैथिलेश। रच रच मच मच गेड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की नचैया, मांडर के थाप माँ राहस रचाए, पंथी के धुनला गाए बजाए, गाँव के लीला चाउर के चीला, मेला मड़ई माँ ढेलवा झूलैया, नंदा जाही का।